为了骄，为了骄，骄骄。अभी ये कुछ ज़्यादा हो रहा तो. And I hope so कि आप लोग जो है वो सब लोग ठीक ठाक होंगे. And this is the भाई क्या कर सकते हैं professor. I love you Berlin. Love you nine. जब तक मनीष का season 4 नहीं देखा तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. लेकिन भाई पर्सनली हीट हो गया नैरोबी. ओह माय गॉड यार बहुत बुरा हुआ नैरोबी के साथ. अगर थोड़ा सा बैक एंड पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये सारा कैसे हुआ. सो लेट्स गेट इनटू तो आज हम लोग कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट करने वाले हैं. और मैंने इस तरह की कोई भी घटिया काम पहले कभी नहीं किया ज़िंदगी में. आज मेरे मुंह के ऊपर होगा मेकअप. वेट करना होगा. सो लेट्स गेट इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द प्राइमर. और इसको हम अपने धोबड़े पे लगाएंगे सबसे पहले ताकि हमारी जो बाद का मेकअप है वो ठहर जाए. तो ये प्राइमर लगेगा कुछ इस तरह से करके. मेरी स्किन जो है वो फुल सॉफ्ट और चिकनी चिकनी हो गई है. हमारी बेस इवोरी पता नहीं क्या है तो अभी ये लगेगी. अभी हम लोग जो है वो स्टेप 4 पे हैं. आईब्रोज बन गए हैं थोड़े बहुत और दाढ़ी का भी करना है कुछ. अभी दाढ़ी जो है मैं उतारना नहीं था चाहता तो हम दाढ़ी को थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहे हैं. तो दाढ़ी का थोड़ा बहुत काम हो गया. ये तो काम पूरा जट्टों वाला हो गया. गैस अभी एक साइड का बना है और एक साइड का रहता है. अभी भी गैस कर लो कि ये क्या बन रहा है. कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ये क्या बना है. तो मैंने जस्ट एक ट्राई करवाई है घर वालों से कि मुझे ये बनाने की कोशिश करें. हुडी भी मैंने पहन ली है रेड कलर की. सो डेफिनेटली टिकटॉक्स बनेंगी तो आप लोगों को वो मिल जाएंगी. मेरी टिकटॉक आईडी पे मैं मेंशन कर दूंगा यहीं पे. तो भाई हम कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ये बस एक थोड़ी बहुत लुक है. तो इंस्टाग्राम चेक कर लीजिएगा, आपको फोटोज भी मिल जाएंगी. तो ये आप लोगों के सामने भाई पूरी लुक जो आ रही है. तक सूरज चांद रहेगा, प्रोफेसर तेरा नाम रहेगा. अगर आप लोगों ने मनी हर्स्ट का जो है वो अभी तक सीजन 4 नहीं देखा, माइंड ब्लोइंग यार. आखिर कर रहे हैं प्रोफेसर, एंड कर रहा. सही बात है प्रोफेसर, एंड कर रहा. बाय द वे बर्लिन इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन मनी हर्स्ट यार. कमाल कर रहा है. तो बर्लिन कमाल कर दिया तुमने, सही बात है. और बर्लिन के जो कातिल है वो अभी तक जिंदा है, सही बात है. और बच्चे शोर इतना कर रहे हैं कि मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे. सो खैर 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 होप सो कि आप लोगों को ये थोड़ा सा मज़ा आया होगा थोड़े से मेकअप का. भाई मैंने पहले भी बताया कि हम लोग कोई मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है. सो जो आता है वो बस बनाने की कोशिश की है. हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा हो गया, थोड़ा ये थोड़ा सा कम है, लेकिन काम चल गया है. टिकटॉक मैंने बना ली है, वो आप लोगों को मिल जाएंगी. कहाँ पर? मेरी टिकटॉक आई डी पे, जहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. सो आई होप सो कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये छोटे से ब्लॉग का. इतनी मुश्किल से ये हुआ था, उतनी मुश्किल से ये उतर रहा है. और मैं वाइप्स उठा कर लेकर आया हूँ घर वालों के. तो अभी इसको उतारने की पूरी कोशिश हो रही है. ओए ये दाढ़ी सारी ब्लैक की हुई है, ज़्यादा ब्लैक. आप लोग मुझे बताना कि फेस में से सारी सबसे अच्छी चीज़ क्या आप लोगों को लगी और क्या बनी थी. मतलब आईब्रोज ठीक बने हैं, ये चीज़ ठीक बनी है, ओवरऑल फेस की लुक ठीक बनी, ये ज़रूर कमेंट करके बताना. A few moments later. मुंह को 100 दफा रगड़ने के बाद सारा मेकअप ऑलमोस्ट उतर गया है और वाइप्स का मैंने ढेर लगा दिया. मतलब लड़की हो कैसे झेल लेती हो, मेरा तो दिल खराब हो गया. इतना मेकअप कम के लिए आप लोगों ने शुक्र है भाई, बड़ी मुश्किल से उतरा. अभी भी ये नीचे नहीं, थोड़ा बहुत रह गया. ये अब धो के उतर जाएगा खुद ब खुद ही, क्योंकि मैंने बड़ा ज़्यादा रगड़ा है. तो वैसे भी ये देखे मुझे ये जो डैशेज वगैरह होते हैं तो इस तरह की चीज़ जो है वो पहले थी, तो ऊपर से रगड़ के और ख़राब हो रहा है. सो फाइनली उतर गया है, ये था एंड. बस भाई अब और कुछ नहीं है करने को. क्वारंटाइन लाइफ में यही कुछ है और यही कुछ रोज़ाना हो रहा है.